जळगाव शहरातील सुप्रीम कॉलनी येथे सुन्नी ईदगा मागे मदरसा फैजाने अलीउल मुर्तुजा दावते इस्लामी तर्फे दिनांक 13/7/2024 रोजी वृक्षारोपण कार्यक्रम दत्तात्रय निकम पोलीस निरीक्षक MIDC जळगाव यांच्या शुभ हस्ते झाले. प्रमुख अतिथी म्हणून हाजी अजमल शहा, दीपक जगदाळे API, वाहेद खान, आसिफ शहा बाप्पू, जमील शेख, कालू भाई व शाहिद पत्रकार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी दावते इस्लामी इंडियाचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष मौलाना जुबेर अत्तारी यांनी मदरसाद्वारे मुलांचे शिक्षणाची माहिती दिली व GNRF फाउंडेशनद्वारा पूर्ण भारतात होणारे सामाजिक कामाची माहिती दिली. यावेळी PI निकम मदरसाद्वारे होत असलेले कामाची प्रशंसा केली. यावेळी प्रमुख पाहुणे हाजी अजमल शहा, वाहेद खान, आसिफ शहा बाप्पू यांनी एक एक रोप लावले. आसिफ शहा बाप्पू यांनी मनोगत व्यक्त केले. मौलाना शकील मदनी व मौलाना फारूक मदनी यांनी आभार मानले व मौलाना तौफिक अत्तारी शहा दावते इस्लामी इंडिया, मौलाना रहीमुद्दीन मौलाना, अवैस मदनी मौलाना, वसीम अत्तारी, शफीक अत्तारी, हाफिज अतिक, हाफिज सादिक, तोहित अतिक, फैजाने रजा, रिजवान अत्तारी यांनी कार्यक्रम यशस्वी केले. बघत रहा MH 19 न्यूज. मुख्य संपादक श्रीकांत वानखेडे सोबत ब्युरो चीफ जोहेब सय्यद, जळगाव जिल्हा, महाराष्ट्र. NRF की तहत जो आज प्लांटेशन का प्रोग्राम लिया जा रहा है, यहाँ पे सब उपस्थित सब जिम्मेदार लोग और बाहर से आए हुए जिम्मेदार लोग, ये जो JNRF का काम है, उन्होंने जिस तरीके से ये रखा है कि हर जगह लाखों से पेड़ लगाना और गरीबों के लिए पानी उपलब्ध करके देना और जो फुटपाथ पे पड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए ब्लैंकेट वगैरह की, इसी तरह से दोनों धर्मों में और कोई भी आप हमारी पुलिस की तरफ से आपकी तरफ यही इच्छा रहेगी कि आप सभी समाज एक रहे, इसके लिए आप काम करें. और इंशाल्लाह आपने जिस तरीके से कहा कि गरीब लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको अच्छी दुआ दे और आपको इससे अच्छा बड़ा काम करने की आपको इंशाल्लाह भगवान आपको